Wow! Hope you all are good. Hijab, the different hijabs. जैसा कि आप सब देख रहे हो, आज की वीडियो जो है वो हिजाब्स के लिए है, पर्टिकुलरली जो मेरे पास हिजाब्स हैं. मेरे पास ज़्यादातर तो सब फैब्रिक के हिजाब्स हैं, पार्टी वेयर से लेके डेली वेयर सब हिजाब अवेलेबल है मेरे पास. मुझे बहुत शौक है, इंटरेस्ट रखती हूँ मैं हिजाब लेने का बहुत. और शादी से पहले मैं डिफरेंट हिजाब कैरी करती थी. और ये जो तीन हिजाब आप देख रहे हो, ये मैंने लिटिल ब्लैक हिजाब से लिए हैं. और जैसे आपके आप देख रहे हो, ये पार्टी वेयर हिजाब है, ये मैंने अपनी शादी पे रैप किए थे. और इसके बाद यहाँ पे, और हाँ, सबसे पहले तो ये जो हैंगर है, हिजाब हैंगर, ये आप किसी भी वेबसाइट से मंगवा सकते हो. मैंने शायद से ये फ्लिपकार्ट से लिया था, या अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से भी. और आप तो शायद मीशो से हिजाब है. और ये हिजाब भी मैंने लिटिल हिजाब से लिए हैं. और जैसे कि आप कलर देख रहे हो, डिफरेंट कलर्स हैं इसमें अवेलेबल. और ये इसका मसला ये है कि ये 10 फुट कैरी करता है. बाकी ये जो हिजाब है, ये आप लगा सकते हो विंटर और ऑटम सीज़न में. आप ये समर्स में बिल्कुल कैरी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसका जो क्लॉथ है वो लिटिल बिट वार्म होता है, नॉट सो मच. एंड इनसाइड दिस यू डोंट हैव टू कैरी और वेयर हिजाब कैप. आई हैव डिफरेंट कलर्स अमंग दिस. और ये वाला हिजाब मेरी एक फ्रेंड है, सऊदी में रहती है, उन्होंने मुझे भेजा था. और ये विस्कोस है, विस्कोस क्लॉथ है, ये उसका हिजाब है. और ये मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज था, वहाँ से मंगवाया था. रस्ट कलर ये था, बहुत फेमस था, ये कलर हाइप में था. ये क्रिंकल हिजाब ही मैंने लिटिल हिजाब से, लिटिल ब्लैक हिजाब है. आपको ये इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा. और ये थ्रेड फॉर हेड ऐसा कुछ पेज है, वहाँ से ये वाला कलर मैंने मंगवाया था. ये ब्लैक कलर भी वहीं से मंगवाया है, या तो उससे मंगवाया था तो, या फिर हाँ, या तो थ्रेड वाले उसे ही मंगवाया था. ज़्यादातर तो 2-3 पेजेस ही हैं जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं. एक लिटिल ब्लैक हिजाब, जिसके बेस्ट हिजाब्स होते हैं, इनका प्राइस थोड़ा हाई होता है दूसरों के मुकाबले में. तो क्लॉथ भी इनका अच्छा होता है और उनका प्राइस भी अच्छा है, तो जेन्युइन बात है ये. आप इस पर दे सकते हैं, डिटेलिंग देख सकते हो आप कितनी ज़बरदस्त की हुई है. तो है माइंड ब्लोइंग वर्क. और ये वाला जो है, मैंने दिल्ली की लोकल जामा मस्जिद की मार्केट जो है, जो करीम वाली जो लेन है, गली है, उस वाली लेन में आपको ये अवेलेबल होंगे, क्रिंकल्ड हिजाब, सॉरी. और इनका प्राइस 150 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होता है. और जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, उतना आपको ये ज़्यादा पड़ेगा महंगा. और ये वाला भी जो ग्रे कलर है, ये भी मैंने लिटिल ब्लैक हिजाब से कर्ड हिजाब. ड्रॉबैक ये होता है, जो ये पार्टी वेयर हिजाब होते हैं, क्योंकि इनका जो वर्क होता है, वो जो आपका फोरहेड आता है, सिर्फ उसी एरिया पे ही आता है. पूरी जो इसका स्काफ है, उस पर ये कवर नहीं होता है, ये वाला डिज़ाइन. बस आप देख सकते हो, ये पर्ल कुछ इस पर असेंबल किए हुए हैं, लेकिन जो आपका डिज़ाइन होगा वो सिर्फ हेड पे ही आएगा. उस वजह से आपको ये रैप करना पड़ता है बिहाइंड द नेक. दैट मीन्स जो आपकी सेफ्टी पिन होगी, वो आपको पिन अप करनी पड़ेगी हेड के पीछे, ना कि फ्रंट अंडर द चिन. ठीक है, आपको पीछे ही करना पड़ेगा.
और इन सब का प्राइस थोड़ा हाई है, इन तीनों का। ये आपको 2000 अप टू 2000 इंडियन रुपीस तक पड़ जाएगा। ये कम में नहीं होता। हाँ, अगर लिटल ब्लैक हिजाब की सेल है, जैसे कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को वो सेल रखते हैं, तो उस दिन ये आपको डिस्काउंट भी होगा। क्रिंकल हिजाब ये आपको अप टू 400 और 350 मिल जाएगा, लेकिन आपको शिपिंग पड़ जाएगी, उस वजह से ये आपको 450 या 400 तक भी मिल जाएगा, जो पेपर हिजाब के हैं। और डिज़ाइन भी दूसरे, आप जैसे देख सकते हो, इन सब का डिज़ाइन मुख्तलिफ है एक दूसरे से, देख सकते हो इन सब का डिज़ाइन मुख्तलिफ है, ऑल आर इन डिफरेंट कलर। ये लिटिल ब्लैक हिजाब से मिलेगा लेवेंडर कलर, उस वक्त पे बहुत ट्रेंड में था, तो ये वाला मैंने मंगवाया था। और ये वाला भी आप फैब्रिक देख सकते हो, और डिज़ाइन भी इसका देख सकते हो, फिनिश देख सकते हो, इसका भी डिफरेंट है। और ये हिजाब इतने डिफरेंट कलर के और इतने डिफरेंट डिज़ाइन के सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं जो हिजाब पहनते हैं, और जिनको अपनी ड्रेस के साथ मैच करना है। एज पे अपनी अबाया के साथ ही मैच कर रही थी, मुझे तो ज़्यादातर ब्लैक अबाया ही होते थे, तो दैट्स व्हाई आई यूज टू अबायास दिस टू, एंड द रेस्ट ऑल आर परचेज इंडिविजुअली। आप नेक्स्ट वाला देख सकते हो, इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ऐसा डिज़ाइन है इसका, और इस वाले का भी डिज़ाइन, इनके क्लॉथ लिटिल बिट सिमिलर होते हैं, जिनका जो एंड होते हैं उनको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट फेदर्स कुछ ना कुछ अटैच किया होता है। ये मैंने खुद कस्टमाइज किया था, ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं इसका वर्क कैसा है, इसको कुछ इस प्रकार का वर्क है, और इस तरह से इनको ये पर्ल असेंबल किए होते हैं। और ये है साटिन सिल्क, ये भी लिटिल ब्लैक है चावलों से ही लिया था मैंने, दिस वन आई लव दिस कलर। और ये वाला कलर भी है इसमें अवेलेबल, और दिस वन I got from Lakmé, they gifted this to me, I don't know, there are some, I don't know why they gifted me, because long black story, kuch yaad nahi mujhe kyun diya tha. Aur ye wala maine local market Jammu se liya tha, trade mein aapko mil jayega, aur 150 ya 200 ke around in the cost hai. अडॉप्स है अदा करके एक हिजाब का नाम है, और सबसे अच्छा आपको क्वालिटी अगर चाहिए और प्राइस में भी थोड़ा हाई, तो आप लिटिल ब्लैक हिजाब से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।